फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ कुछ वॉलपेपर्स की, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और फ्रेंड्स सेल चल रहा था, तो ये मुझे 229 रुपीज़ में ईच रोल मिल गया। और मैंने 3 रोल्स ऑर्डर किए हैं जिसमें फ्लावर प्रिंटिंग है। एंड मैं बाई लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसमें कभी कभी ऑफर्स आते हैं, बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं। तो आइए अनरैप्ड करके देखते हैं कि किस क्वालिटी के फ्लिपकार्ट ने सेल किया है। लेट्स सी, ये क्या हो गया फ्रेंड्स? मैंने ऐसा वॉलपेपर नहीं ऑर्डर किया था, मैंने फ्लावर प्रिंटिंग का वॉलपेपर ऑर्डर किया था। अब ओ माय गॉड फ्रेंड्स, इसमें तो नो रिटर्न दे रखा है। फ्रेंड्स देखते हैं क्या इन्होंने तीनों रोल यही ऑर्डर कर दे दिए हैं मुझे। मैंने तीनों रोल्स वाले ऑर्डर किए थे। आइए दूसरे को अनरैप करके देखती हूँ मैं कि कैसा है। फ्रेंड्स 229 रुपीज़ बेकार हो गए एक रोल का, तीनों तो ऐसे नए हो, अलग हो फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, थैंक गॉड फ्रेंड्स, मैंने यही वाला ऑर्डर किया था। इसमें ऐसे रेड रोज़, पिंक रोज़ हैं एंड इसमें सेल्फ प्रिंटिंग है। लेट्स ओपन थर्ड वन एंड सी व्हाट दे हैव सेंड। एंड फ्रेंड्स मैं इतने दिन से वेट कर रही थी, इसको आने में 4-5 डेज लग गए फ्रेंड्स, थैंक गॉड। सेकेंड वन वाला भी फ्रेंड जो मैंने ऑर्डर किया था वही है, बस एक में मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं। एंड इसमें नो रिटर्न था, फिर भी मैं अभी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर विज़िट करके नीड हेल्प का ऑप्शन आता है उसमें जाके चेक करूँगी, सर्विस कस्टमर केयर पे कॉल करके देखूंगी जो भी उनका प्रोसीजर होगा। लेट्स सी, फिलहाल मैं फ्रेंड्स आपको इस प्रोडक्ट की भी डिटेल, डायमेंशंस एंड ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी डायमेंशंस और मैन्युफैक्चरिंग डेट सब दे रखा है इन्होंने। एंड फ्रेंड्स ये देख के तो मुझे बहुत दुख हुआ, अगर वापस ना हुआ तो क्या होगा, लिखा तो नो रिटर्न ही था। यार ये फ्लिपकार्ट वालों ने बहुत गलत किया, फ्लिपकार्ट क्या जो सेलर होगा, तीन के साथ एक फर्जी में चिपका दिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। फ्रेंड देखने में तो बिल्कुल महाघटिया लग रहा है, मुझे तो एटलीस्ट नहीं अच्छा लग रहा है। हो सकता है किसी को ज़रूरत हो ऐसे भी वॉलपेपर की, कहीं कहीं पे पड़ती है, बट मुझे तो ये अपने रूम के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। फिर भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। हर एक रोल के साथ एक कटर और एक स्क्यूज़र मिलता है जो वॉलपेपर के एप्लीकेशन में हेल्प करता है। एंड ये रहा इसका डिज़ाइन फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, किस बंदे को अच्छा लगता है। फ्रेंड देखने में तो बहुत बेकार लग रहा है, हो सकता है कहीं पे यूज़ होता हो। ये ब्लैक वुड टाइप का डिज़ाइन है। एंड फ्रेंड्स इसका सरफेस जो है वो बहुत शाइनी वाला है, टेक्सचर नहीं है और क्वालिटी तो ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिटी ठीक है, जैसे नॉर्मल होते हैं वॉलपेपर वैसे ही है। अब मैंने जो ऑर्डर किया था अपने लिए, मैं वो खोल के देखती हूँ उसमें अंदर कोई डैमेज तो नहीं है। फ्रेंड्स डैमेज तो ज़्यादातर ऊपर ही से दिख जाता है रोल वाला, बट इसमें दिखा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से रैप्ड होके आता है। फ्रेंड्स कुछ मैंने वॉल स्टिकर ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से ही, उसका एप्लीकेशन वीडियो एंड अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। वो बहुत ऑसम लगते हैं वॉल पे, वो 3D वॉल स्टिकर होते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉस्टली होते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, इस पर आपको रोज़ प्रिंटिंग मिलेगी और एक ओवरऑल प्रिंटिंग मिलेगी सेल्फ प्रिंटिंग टाइप की, वो सिल्वरी कलर में है। एंड वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है, वो जब लाइट फॉल होगी उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिखेगी। एंड फ्रेंड्स ये देखने में बहुत ऑसम लग रहा है, इसका सरफेस भी बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स इन वॉलपेपर की सबसे अच्छी बात ये होती है, ये सेल्फ एडिसिव होते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको कि गम चाहिए, ग्लू चाहिए, फेविकॉल चाहिए एंड ऑल दैट। बस आप नेम स्लिप की तरह इसको पील ऑफ करें एंड अप्लाई कर दें।
और फ्रेंड्स ये रफ़ वॉल पे भी लग जाता है। बहुत लोग ने मुझसे क्वेश्चन किया जो खुरदुरी खड़बड़ी वॉल होती है, बट फ्रेंड्स उसकी लाइफ रिड्यूस हो जाती है, वो ज़्यादा दिन तक के चलता नहीं। अगर आप स्मूथ वॉल पे अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक के चलता है क्योंकि वो फटता नहीं है जल्दी। फिर फ्रेंड्स ये बहुत मोटा नहीं होता, बहुत पतला होता है। इस पर मैं एक वाटर टेस्ट कर रही हूँ, मैंने कुछ वाटर स्प्रे किया है ये देखने के लिए कि ये पेपर अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं फ्रेंड्स ये वाटर स्लिप ऑन हो गया, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अगर किसी वजह से आपको ये पोछना पड़े वॉल पेपर वॉल पे एप्लीकेशन के बाद तो ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये सीलन वाली वॉल पे भी चलता नहीं है, थोड़े दिन चलेगा उसके बाद बेकार हो जाएगा, अपने आप ख़राब हो जाता है। ये खाली ऊपर से अगर आपको पोछना है, कुछ सफाई करनी है, कुछ कलर लग गया है, या बच्चे यूजुअली बहुत से घरों में पेंट लगा देते हैं स्केच पेन एंड ऑल दैट, वो साफ़ हो जाएगा इस पर। और इसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है पीछे भी, और फ्रेंड्स इसके ऊपर का बहुत स्मूथ टेक्सचर है एंड इसकी प्रिंटिंग बहुत ऑसम है फ्रेंड्स, आई लव दिस, बहुत ज़बरदस्त प्रिंटिंग है। और फ्रेंड्स मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, इसमें जो अंदर की प्रिंटिंग है सेल्फ प्रिंटिंग वो भी बहुत ज़बरदस्त है एंड आई लव इट। अब मैं बताती हूँ फ्रेंड्स इस वाले रोल का क्या हुआ। मैंने फ्लिपकार्ट पे मैसेज डाला नीड हेल्प में, तो उनका कॉल बैक आया, तो मैंने बोला कि मैंने 3 ऑर्डर किए थे, अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, तो फिर वो आफ्टर ऑल राज़ी हो गए। उन्होंने कहा मैं रिफ़ंड का हो जाएगा इसका, कल एक आदमी पिकअप के लिए आएगा एंड ऑल दैट, सारे जो प्रोसीजर होते हैं नॉर्मल रिफ़ंड के वो होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने कहा ठीक है देखते हैं रिफ़ंड होता है कि नहीं। तो मेरे पास मैसेज आया कि रिफ़ंड प्रोसीड का, उसकी पिक मैं आपको वीडियो के बीच में दिखा दूँगी एंड उन्होंने रिफ़ंड करने के लिए राज़ी हो गए, थैंक गॉड मेरे पैसे बच गए। यूजुअली करते नहीं है, अगर आपके अकाउंट में आपने पहले कोई फ्रॉड कर रखा होगा फ्लिपकार्ट से तो नहीं करते हैं। बहुत से लोग शिपिंग एफ एश्योर करके और ये सब जो घपले करते हैं तो फिर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मेरा रिफ़ंड आ गया है, मेरे अकाउंट में बैलेंस आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।